जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को विस्मृत कर देता है, वह व्यक्ति शायद जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाता। चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे साधु का जीवन हो, लेकिन हमें हमारी परंपराओं को, हमें हमारी गुरु परंपरा को, हमें हमारी मर्यादाओं को, हमें हमारे गौरवशाली इतिहास को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। हम बड़े कृतज्ञ न हैं, हम विस्मरण कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि परंपराओं को याद करने से बड़ा फायदा होता है, बड़े अद्भुत लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। मात्र मात्र परंपराओं का स्मरण करने से, मात्र मात्र परंपराओं को याद करने से, और ऐसी अद्भुत परंपरा की बात हमारे यहां पे लिखी गई, आपके घर में आपके पिताजी, आपके दादाजी की मृत्यु होती है, उसके बाद में शायद 3 दिन आप रोते हो, दुखी होते हो, परेशान हो जाते हो, शायद 30 दिन तक आपके मन में शोक की भावना रहती है, उसके बाद में तो हम पूर्ववत हो जाते हैं, शायद 3 साल तक हम उनको याद करते होंगे, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 हम उसको विस्मरण कर देते हैं। कितने ही निकट हो, कितने ही अजीज हो, कितना ही हमें उनके ऊपर प्यार हो, कितना ही हमारा उन्होंने संभाल किया हो, हमें संभाला हो, लेकिन फिर भी हम हर चीज को विस्मरण कर देते हैं, हर चीज को भूल जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना, ये जिन शासन गुरु परंपरा के इतिहास को याद रखता है, ये जिन शासन गुरु परंपरा को याद रखता है, और इसीलिए आज भी प्रवचन की पाठ के ऊपर बैठने से पहले जिन शासन का हर एक साधु गुरु सुधर्म स्वामी को याद करके, उनका स्मरण करके, उसके बाद में ही प्रवचन की पाठ के ऊपर बैठता है, आज भी जिन शासन के हर एक आचार्य भगवान, हर एक श्रवण श्रवणी भगवान प्रातः उठ करके गुरु गौतम को याद करते हैं, आद्य परंपरा के सबसे प्रथम गुरु गौतम को याद करते हैं, प्रवचन देने के लिए बैठते हैं तो गुरु सुधर्म को याद करते हैं, ये गुरु परंपरा का विस्मरण नहीं है, ये गुरु परंपरा का स्मरण है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, परंपरा को, पूर्वजों को, गौरवशाली इतिहास को हमेशा स्मरण में रखें, उसको भूले नहीं। हम बड़े कृतज्ञ हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिन्होंने हमारे ऊपर अनहद उपकार किया हो, जिन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्त उपकार किया हो, लेकिन फिर भी समय जाते जाते हम उनको विस्मृत कर देते हैं, हम उनका विस्मरण कर देते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना, परंपराओं को, पूर्वजों को, गौरवशाली इतिहास को हमेशा स्मरण करने से, हमेशा याद करने से 3 अद्भुत लाभ होते हैं। याद करते रहे, हमने देखा है गुरु प्रेम, हमने देखा है गुरुदेव कुलचंद्र श्रीश्वर जी महाराज को, हमने देखा है अनेकों आचार्य भगवंतों को प्रातः उठ करके अपनी गुरु परंपरा को याद करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले अपनी गुरु परंपरा को वंदना करके, उनका नामस्मरण करके वो कार्य का शुभारंभ करते हैं। और हमने तो गुरुदेव कुलचंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब को देखा, गुरुदेव के जाने के 6-6 साल बीतने के बाद में भी हर हमेश गुरुदेव का स्मरण उनके हृदय में रहता है, चाहे कुछ भी काम हो, चाहे छोटे से छोटा आयोजन हो, लेकिन उनकी एक ही बात रहती है, जो होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, जो होता है गुरु के प्रभाव से होता है, जो होता है गुरु के पुण्य से होता है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, परंपराओं को याद करते रहो, अपने पूर्वजों को याद करते रहो, इतना अद्भुत फायदा होगा आप सोच नहीं सकते का 3 अद्भुत लाभ। सबसे पहला लाभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, आशीर्वाद मिलता है। हमारे यहां पे लिखा गया कि जो चीज बार 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 आप रटन करते रहो, बार बार स्मरण करते रहो, वही चीज मंत्र बन जाती है, वही चीज आपके लिए काम की बन जाती है, वही चीज से आपको आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे कहा गया कि मनना त्रायते इति मंत्र। मंत्र क्या है?
जिसको आप बार बार स्मरण करते हो, बार बार बोलते रहते हो, और जितनी बार ज्यादा बोलते हैं उतनी बार वो ज्यादा प्रभावी बन जाता है। ऋषि ने कहा कि समझ लेना, गुरु परंपरा को भी बार बार याद करते रहोगे तो उनके आशीर्वाद आपको निरंतर मिलते रहेंगे। ऋषि ने कहा कि ये तीन अड़े अद्भुत लाभ आपको ये याद करने से, उनका स्मरण करने से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले नंबर में क्या मिलता है? क्या मिलता है? आशीर्वाद। गुरु के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। गुरु भले हमारे बीच में नहीं है, गुरु भले चले गए, लेकिन उनके परोक्ष आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। और उनका जीवन उदाहरण गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का जीवन है। वो कहते हैं कि मेरा हर एक क्षण, मेरा हर एक पल यदि चलता है तो गुरु के आशीर्वाद से चलता है। चाहे दुनिया में कोई भी तकलीफ आ जाए, कहते हैं कि मेरे गुरु के आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ। कहा दूसरे नंबर में, पहले नंबर में आशीर्वाद मिलता है, तीसरे नंबर, दूसरे नंबर में आरक्षण मिलता है, हमारी रक्षा होती है। हमारी रक्षा कौन करता है? जीवन में जब अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता है, अलग अलग जगहों पे जाना होता है, तब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आदि व्याधि उपाधियां संकट विकट आचारों ओर से आते रहते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति गुरु परंपरा का स्मरण करते रहे, जो व्यक्ति ये समझे कि गुरु का छत्र मेरे माथे है, और यदि ये समझ आपके भीतर सच्ची में हो, यदि ये श्रद्धा के साथ में हो, तो कहीं ना कहीं आरक्षण यानी रक्षा का काम भी ये गुरु परंपरा। ऐसे ऐसे किस्से हमारे सामने है जहां व्यक्ति जीवन मरण के बीच में हो, लेकिन गुरु का स्मरण किया, गुरु परंपरा को याद किया, उसकी रक्षा हो गई। कई ऐसे किस्से साधु साध्वी जी भगवंतों के जीवन में बनते हैं। मरणांत तो कष्ट आया हो, मरणांत तो व्याधि आई हो, मरणांत तो बीमारी आई हो, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हो, लेकिन उनकी ये श्रद्धा नहीं, मेरे गुरु मेरे साथ है, और डॉक्टरों की मना करने के बावजूद भी कई वर्षों तक वो जीवित रहे, ये चमत्कार आरक्षण का है, ये चमत्कार गुरु परंपरा का है। और इसलिए मैं कहता हूं, समझ लेना, जीवन में गुरु परंपरा का बार बार स्मरण करने से, गुरु परंपरा को बार बार याद करने से तीन बड़े अद्भुत लाभ होते हैं। पहले नंबर में आशीर्वाद, दूसरे नंबर में आरक्षण, हमारी रक्षा होती है, हमें वो सुरक्षित रखते हैं, हमारी रक्षा का जिम्मा। और एक चीज समझ लेना, मैं तो कई बार कहता हूं कि आपके पास चाहे कितने ही बॉडीगार्ड हो, आपके पास चाहे बुलेट प्रूफ कार हो, लेकिन दुनिया की कोई ताकत जब समय आता है तो कोई नहीं बचा सकती। लेकिन ये धर्म की ताकत ऐसी है, गुरु की ताकत ऐसी है, गुरु के आशीर्वाद ऐसे है जो आपको कैसी भी तकलीफ में से खड़ा कर देंगे, कैसी भी तकलीफ में से बचा लेंगे। और इसीलिए कहा कि हमें सुरक्षित रखने का काम भी ये गुरु परंपरा करती है। और इसीलिए कहा कि गुरु परंपरा को बार बार स्मरण करते रहो, आशीर्वाद की प्राप्ति गुरु परंपरा के स्मरण से, आरक्षण की प्राप्ति गुरु परंपरा के स्मरण से, और तीसरे नंबर में कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु परंपरा के स्मरण से। आत्मज्ञान कब होगा? आत्म जागृति कब आएगी? जो हम हजारों वर्ष से, हजारों भवों से हमें संसार में भटक रहे हैं, वहां से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कैसे हमारी आत्मा की निद्रा टूटेगी? कैसे हम जीवंत बनेंगे? कैसे हम जागृत बनेंगे? क्योंकि आज के जीवन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि आज सब सो रहे हैं, सब निद्राधीन है, मोह की चादर ओढ़ करके सभी व्यक्ति सो रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसके ऊपर गुरु के आशीर्वाद है, जो गुरु परंपरा का स्मरण करते रहता है, और हमारे यहाँ इतिहास में तो बात है एकलव्य की कि शायद गुरु उसके पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन गुरु परंपरा का स्मरण करते करते अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बनने का काम वो कर पाया, क्योंकि गुरु परंपरा का स्मरण करता था। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, हमारे पास तो गुरु है, एकलव्य के पास तो गुरु भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने जीवन में वो काम कर दिखाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में हमेशा अपने पूर्वजों को, अपने गौरवशाली इतिहास को, अपनी गुरु परंपराओं को बार 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 स्मरण में रखे, बार बार आंखों के सामने रखे। और जब यहाँ शिवपुरी चतुर्मास की भी बात आई तो गुरुदेव के मन में एक ही भावना थी कि हमारी गुरु परंपरा का स्थान है और उसका जीर्णोद्धार करना हमारा कर्तव्य है, हमारी फर्ज है। इसीलिए अनेक संघों के चतुर्मास की विनती होते हुए गुरुदेव यहां पधारे, क्योंकि वो चाहते थे कि गुरु परंपरा के लिए जितना कर सके उतना कमाए।
जितना हमारे से हो जाए उतना कम है। अरे जीवन भर हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि सब धरती कागज करू लेखनी करू वन राय सात समंदर मसी करू फिर भी गुरु गुण लिखियो न जाए। लेकिन फिर भी हमारी जो शक्ति हो हमारी जो ताकत हो वह भी यदि हम गुरु के कर्तव्य के लिए उपयोग ना करें तो हमारा जीवन निरर्थक है। और इसी भावना को लेकर के गुरुदेव यहां शिवपुरी चतुर्मास करने के लिए आए। और इसलिए मैं भी आपको कहता हूं आपके बाप दादा आपके पूर्वज जो भी पूर्व के पुण्यशाली पुरुष हो जो भी प्रभावशाली पुरुष हो उनको बार बार याद करते रहो। जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार घटित होगा जीवन में बड़ा अद्भुत लाभ होगा। हम विस्मरण न कर ले हम ये न समझ ले कि सब मैंने खड़ा किया हुआ है ये हमेशा आंखों के सामने रखे कि हमारे पूर्वजों के पुण्य से हमारा जीवन चलता है और हम ये हमेशा आंखों के सामने रखे कि हमारी गुरु परंपरा के पुण्य से हमारा जीवन चल रहा है। और यदि ये आंखों के सामने रखे तो तीन अद्भुत फायदे हमें हो सकते हैं। पहले नंबर में क्या मिलता है आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे नंबर में आरक्षण हमारी सुरक्षा हो सकती है। और तीसरे नंबर में आत्मज्ञान यानी कि भीतर की जागृति आत्मा की चेतना को जागृत करने की ताकत भी गुरु के आशीर्वाद में है। और इसीलिए हमेशा अपने गौरवशाली इतिहास को अपनी गुरु परंपरा को अपने पूर्वजों को बार 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 स्मरण करते रहे। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।